सब्सक्राइब करें हमारा चैनल स्टडी टेस्ट टुडे और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टेस्ट टुडे में आपका स्वागत है। और आज पढ़ेंगे हम लोग रासायनिक विस्फोटक क्या है और कितने प्रकार के होते हैं, इम्पॉर्टेंट है। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। देखिए कितने प्रकार के होते हैं, सबको अच्छे से हम लोग समझेंगे। तो फ्रेंड जितने भी हैं अच्छे से आप समझते चलिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, महत्वपूर्ण रासायनिक विस्फोटक, तो महत्वपूर्ण रासायनिक विस्फोटक कौन कौन से होते हैं, तो सबको जो इम्पॉर्टेंट जहाँ से क्वेश्चन बनने का चांस ज़्यादा होते हैं उन्हीं सबको हम लोग अच्छे से समझेंगे। तो देखिए पहला RDX हो गया, और दूसरा डायनामाइट, और देखिए TNG होता है, और TNT और TNP। तो सबको अच्छे से समझ, यहाँ से क्वेश्चन बनने का चांस ज़्यादा होते थे, इनको जितने हैं इनको अच्छे से आप लोग समझ लीजिएगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग RDX को समझेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, RDX होता क्या है, तो देखिए RDX का जो फुल नेम होता है रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव जो होता है, RDX का फुल नेम रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। तो अच्छा से इसका फुल नेम अच्छे से ज़रूर आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए इसका जो इम्पोर्टेंट है, RDX सबसे पहले जर्मन एक वैज्ञानिक थे, हेनिंग, इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको तो अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा। हेनिंग द्वारा 1899 शुद्ध सफ़ेद क्रिस्टलाइंस पाउडर के रूप में आविष्कार किए थे। तो अच्छे से देख लीजिए, RDX सबसे पहले जर्मन वैज्ञानिक हेनिंग सन 1899 में खोज किए थे। देखिए फ्रेंड्स RDX को संयुक्त राज्य अमेरिका में साइक्लोनाइट कहते हैं। तो अच्छे से देख लीजिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में RDX को साइक्लोनाइट कहते हैं, और जर्मनी में देखिए फ्रेंड्स हेक्सोजन कहते हैं, जर्मनी में RDX को हेक्सोजन कहते हैं, और देखिए इटली में से क्या कहते हैं, तो इटली में RDX को T4 के नाम से जानते हैं। तो सबको देख लीजिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में RDX को साइक्लोनाइट कहते हैं, और जर्मनी में हेक्सोजन कहते हैं, और इटली में RDX को T4 कहते हैं। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको तो आप लोग ज़रूर से अच्छे से समझ लीजिएगा। और आगे समझेंगे डायनामाइट क्या होता है, तो अच्छे से देख लीजिए डायनामाइट, तो डायनामाइट को समझेंगे हम लोग। देखिए डायनामाइट होता क्या है, ये एक विस्फोटक है जानते हैं आप, और ये आविष्कार जो डायनामाइट के आविष्कार जो वैज्ञानिक आविष्कार किए थे अल्फ्रेड नोबेल थे, इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको तो अच्छे से समझ, सन 1863 में अल्फ्रेड नोबेल डायनामाइट के खोज किए थे सन 1863 में। और आगे देखिए फ्रेंड्स, वर्तमान में बारूद बनाने के लिए नाइट्रोग्लिसरीन की ओर से सोडियम नाइट्रेट का उपयोग किया जा रहा है। तो अच्छे से देख लीजिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है, अल्फ्रेड नोबेल आविष्कार किए थे। आप समझेंगे हम लोग TNG को, तो देखिए TNG का जो फुल नेम होता है ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन होता है, इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, अच्छे से देख लीजिएगा, TNG का जो फुल नेम होता है ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। देखिए TNG को नोबल तेल भी कहा जाता है, इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। और देखिए इस विस्फोटक का आविष्कार जो 1846 में हुआ था, इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड, TNG का ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन का। तो अच्छे से जितने भी अच्छे से समझते चलिए आप लोग। अब देखिए फ्रेंड्स TNT क्या होता है, तो TNT यहाँ पे ट्राई होगा, TNT ट्राई नाइट्रो टॉलविन होता है, तो इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसका फुल जितने हैं फुल नेम तो ज़रूर याद कर लीजिएगा, TNT का फुल ट्राई नाइट्रो टॉलविन होता है। यह अक्सर सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाने वाला विस्फोटक होता है TNT ट्राई नाइट्रो टॉलविन, और इम्पॉर्टेंट ये भी है, यह विस्फोटक का सबसे पहले 1863 में, इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, 1863 में आविष्कार किया गया था, और जबकि इसका वाणिज्यिक इस्तेमाल जो हुआ था 1914 प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था उसमें TNT उपयोगकर्ता ब्रिटेन के सैनिक किए थे ट्राई नाइट्रो टॉलविन का, इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। आप समझेंगे फ्रेंड TNP, तो TNP ट्राई नाइट्रो फिनाल होता है, इम्पॉर्टेंट है, जितने भी फुल नेम तो ज़रूर याद कर लीजिए, TNP ट्राई नाइट्रो फिनाल,
देखिए यार, फिक्रिक जो TNP ट्राई नाइट्रो जो फिनाल होता है, इसको फिक्रिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। और देखिए, TNP जो होता है, यह अत्यधिक पलीता विस्फोट भी होता है, एक विस्फोटक होता है वहाँ पे होता है, तो इसको फिक्रिक एसिड के नाम से जाने जाते हैं। TNP ट्राई नाइट्रो फिनाल होता है।